हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पर। तो दोस्तों, आज जानने वाले हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल्स के बारे में। इजी टू यूज़ टूल है जिसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड बहुत ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम पूरे टूल के बारे में जानेंगे, प्रैक्टिकली हम सारा कुछ करने वाले हैं और बहुत ज़बरदस्त। मैंने इसलिए बोला कि इसमें ना वन क्लिक पर ही आपकी जो चीज़ें हैं जिन्हें ढूंढने में हमें काफ़ी समय लग जाता है इंटरनेट पर, सारी चीज़ों को ढूंढ कर ये एक ही क्लिक में आपके सामने प्रोवाइड करा देगा। और बहुत ही इजीएस्ट मेथड से मैंने इसे बताया है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं जिस टूल का नाम आप लोगों को बता रहा हूँ, टूल का नाम है वल्नेक्स। वल्नेक्स जो टूल है, इसके अंदर पहले मैं आपको फीचर्स दिखा देता हूँ ये क्या है। ये देखिए, इसके बारे में सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक इंटेलिजेंट बॉट है, मतलब ऑटोमेटिकली ही ये बॉट है और जो किसी भी वेबसाइट के अंदर की कमियों को डिटेक्ट कर लेता है। इन सब के अलावा ये वल्नरेबिलिटीज़ को भी चेक कर लेता है कि किसी भी वेबसाइट में कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। अगर वल्नरेबिलिटी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो उसका स्टेटस आपको शो कर देगा। और इसके लिए आपको मतलब देखिए 10 या 15 अलग अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में सीखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसी टूल की मदद से आसानी से ये टारगेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए इसे इंस्टॉल करना और इसके आगे के जो फीचर्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। हालांकि सारा कुछ इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके जो भी फीचर्स हैं आप इसमें पढ़ सकते हैं। दूसरा, इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो गाइस, इसमें डॉकर में इंस्टॉल करना है तो भी लिखा हुआ है, और अगर आप यूबंटू पे इंस्टॉल करना चाहते हैं या टर्मक्स में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे वो टूल जो है वो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। सेम प्रोसेस जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, टूल का जो नाम है वो यहाँ पे है। तो सबसे पहले हमें इस टूल के अंदर जाना है, द नेम ऑफ द टूल इज़ वल्नेक्स। और उसके बाद जैसे ही आप ls करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट आपको इंस्टॉल करनी है जो कि इस कमांड से इंस्टॉल हो जाएंगी। तो रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करने के बाद सेकेंडली आता है कि हम इसे रन कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। द रिक्वायरमेंट्स आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि आप देख सकते हैं ये है ऑलरेडी क्लियर है इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है। दूसरा, आप यहाँ पर देखेंगे ऐसा करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड देनी है sudo .slash install.sh। ये इस कमांड से इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें कोई दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के अलावा आपको इस फाइल का जो मोड है वो भी चेंज करना है install.sh mode कमांड से। तो ये इसको इंस्टॉल करने का तरीका हो गया, जो कि लिखा भी हुआ है। टूल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सवाल आता है कि इसे हम रन कैसे करेंगे। तो गाइज, अगर ये इंस्टॉल हो जाता है तो आपको वहाँ पे सीधा टूल का जो नाम है वो लिख के चेक कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने नाम लिखा और ये इसका जो कलर है वो अलग है, दैट मीन्स कि ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे -h फॉर हेल्प, यानी कि इस टूल को कैसे और क्या किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, h फॉर हेल्प, u फॉर url, d फॉर डॉक्स, o फॉर आउटपुट, नंबर स्पेस, इनपुट फाइल, जो भी चीज़ें आप देखना चाहते हैं। मैं एक ही करके आपको बताना चाहूँगा कि ये टूल हमें किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने टूल का नाम लिख दिया है और यू से हमने वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर दिया है। अब मान लीजिए हमें वेबसाइट के अंदर के सीएमएस के बारे में जानना है। सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हम अपनी ही वेबसाइट पर चेक कर रहे हैं, जैसे कि अपनी वेबसाइट की कुछ कमियाँ हैं उनका किस तरह से आप पता लगा सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैंने यहाँ पर लिखा, तो इस वेबसाइट से रिलेटेड जो कंटेंट मैनेजमेंट हैं इसके अंदर जिस जिस प्लगइन्स का यूज़ हुआ है और इससे रिलेटेड जो जानकारी है ये आपको शो करना स्टार्ट करेगा। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि इसका जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है यानी कि सीएमएस जो है वो है वर्डप्रेस का। इन सब के अलावा इसने जो ईएमएस से रिलेटेड जानकारी लिया, आप यहां पे देख सकते हैं प्लगइन का नाम जो है एलिमेंटर, फॉर्मिनेटर्स, यूजर का नाम यहां पे आ चुका है और कौन सा वर्जन है वर्डप्रेस का वो भी यहां पे आ चुका है। ऐसे ही गाइज, अगर आप इसमें किसी पर्टिकुलर पोर्ट को चेक करना चाहते हैं, मान लीजिए इस वेबसाइट के अंदर मैं किसी भी पोर्ट को चेक करना चाहता हूं कि वो ओपन है या क्लोज है, तो आप उस पोर्ट का नंबर लिखिए और एंटर कर दीजिए। तो जैसे ही आप पोर्ट नंबर लिखेंगे ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा और ये आपको बताएगा कि जो भी पोर्ट आप चेक कर रहे हैं वो ओपन है या क्लोज है, यानी कि पोर्ट स्कैनिंग का काम भी इसकी मदद से आप कर सकते हैं। क्योंकि वेबसाइट में कई बार ऐसा होता है कि कुछ पोर्ट्स हैं जो कि ओपन नहीं होनी चाहिए, जिनकी मदद से कोई भी हैकर या अटैकर वेबसाइट के अंदर एंट्री कर जाता है, तो उसे हम बचा सकते हैं इस तरह से, अगर वेबसाइट्स की पोर्ट्स का हम पता लगा लें। तो गाइज, ये भी एक तरीका है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, ये थोड़ा सा समय ले रहा है तो मैं इसलिए इसे क्विट कर देता हूँ, बाकी इट विल वर्क। ये वर्क जरूर करता है, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमें इसके डोमेन नेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको कमांड देनी होगी DNS। तो इसका जो DNS इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
तो देखिए ये क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है। ओके, ये आप देख सकते हैं इसने टोकन्स जो है रिट्राइव कर लिए हैं वहाँ पे। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है कि इंटरनल वेबसाइट्स के अंदर से उसके टोकन्स को रिट्राइव इसने किया। दूसरा, अब इसकी जो DNS इन्फॉर्मेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं, उनकी जानकारी भी हमारे सामने आने वाली है। लेट्स वेट। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कितनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिल चुकी है। आप देख सकते हैं DNS के लिए ingrid.ns Cloudflare यूज़ किया गया है, उसका IP इसने हमें शो कर दिया। तो इसने हमें यहाँ पे सारी चीज़ें शो कर दी। इसमें जो टाइम लगा है 20 सेकेंड्स के अप्रॉक्स इसमें टाइम लगा है। तो इसी तरह पोर्ट को आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको डॉक्स चेक करने की दी गई वेबसाइट्स में उससे रिलेटेड जो डॉक्स हैं वो आपको ये प्रोवाइड करें, या फिर आप चाहते हैं कि वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट करें, तो उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज को चेक करने के लिए आप यहाँ पे ई कमांड देंगे, ई फॉर एक्सप्लॉइट होता है। तो ये अलग अलग इसके अंदर जो स्टोर्ड वल्नरेबिलिटीज है उन्हें एक एक करके सबको ट्राई करेगा, और जो सक्सेस हो जाएगी, मान लो कि वेबसाइट के अंदर कोई अगर कोई वल्नरेबिलिटी है तो ये यहाँ पे वल्नरेबल शो कर देगा, और नहीं है तो ये आपको दिखाएगा फेल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फेल है, मतलब इसमें अभी इनमें से कोई भी जो वल्नरेबिलिटी है वो नहीं है। तो गाइज ये बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा, उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा। इजी टू इंस्टॉल, इजी टू यूज़ है, और बहुत सारे काम ये आपको कुछ ही सेकंड्स में करके दे देता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।